आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए या नहीं, और अगर निवेश करना चाहिए तो किस तरीके की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में हमें निवेश करना चाहिए। तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अमित ढौंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। सबसे पहले एक क्वेश्चन कि अगर आप वो रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आप किस लिए खरीद रहे हैं, मतलब आपको अपने लिए खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है। तो बेसिकली ज्यादातर लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे एक इमोशनल रीजन होता है, जैसे कि किसी को अपनी शादी के लिए घर बनाना होता है या फिर किसी फैमिली के पास घर नहीं है तो उसे अपना घर चाहिए। तो इस केस में जहां पर इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप वहां पर किसी भी तरीके का एनालिसिस नहीं कर रहे और आप बिल्कुल इमोशनल होकर ये डिसीजन ले रहे हैं। और घर लेना कोई गलत बात नहीं है, और मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं उन लोगों के इमोशंस का, क्योंकि इमोशनल रीजंस सही भी हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक घर नहीं है तो बाकी की सारी कैलकुलेशन बाद में आती है। सबसे पहले आता है एक घर लेना, अपने पेरेंट्स को वो एक अपना घर देना जो कि शायद वो भी चाहते हो, और ये इसीलिए सबसे प्रायोरिटी पर आता है। तो इस चीज के लिए तो थम्स अप है। लेकिन अगर आप घर इसीलिए खरीद रहे हो क्योंकि घर खरीदना है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव होना तो बनता ही है। बिना कैलकुलेशन किए आप अगर घर खरीदोगे तो आपके मन में केवल एक ही विचार आएगा कि भाई इसको तो किराए पे भी चढ़ा सकते हैं, हर महीने रेंटल इनकम आएगी आएगी और फिर पैसा ही पैसा होगा। पर रुको, यहाँ पर आपको समझना होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क। सबसे पहले सेविंग का मतलब जान लेते हैं। मान लेते हैं आपने कोई एक एसेट खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 2-3 साल में किसी भी रीजन से उसका दाम नीचे नहीं गया, तो इस हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जितने प्राइस पे आपने लिया अगर वो बढ़ा नहीं तो उस प्राइस से वो गिरा भी नहीं, तो ये अच्छा है। अब इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपए का घर लिया, अब 2 साल बाद वो 1 करोड़ 30 लाख का हो गया, तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ गई। और मेजोरिटी केसेस में लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही घर खरीदते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि इधर उधर पैसा डालने से बढ़िया है कि कहीं एक कोई प्रॉपर्टी ले लो, उसने लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है। तो किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उसका आरओआई समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से काम करता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले एक डाटा के अनुसार आपके घर की कीमत ना हर साल 2-3% ही बढ़ती है खाली। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए के घर की कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, उस घर की कीमत हो जाती है आपके अगले साल 1 करोड़ 2 लाख से 1 करोड़ 3 लाख के बीच में। और इस पूरे साल में घर खाली तो रहेगा नहीं, उससे आपको रेंटल इनकम भी जनरेट होगी। तो मान लेते हैं कि आपका घर पूरे साल किराए पे चढ़ा रहा, तो एक बेसिक फंडा है दिल्ली एनसीआर में कि 1 करोड़ कीमत का घर जो है उसकी रेंटल इनकम आती है लगभग लगभग 20,000 के आसपास। तो 20,000 × 12 = 2,40,000 प्लस जो आपकी प्रॉपर्टी का एक साल में एप्रिसिएशन हुआ 3 लाख रुपए, 2-3 लाख, तो हम मैक्सिमम 3 लाख लेके चलते हैं, तो 3 लाख + 2,40,000 = 5,40,000 का टोटल एप्रिसिएशन हुआ, जिसमें से कि आपको 2,40 तो हाथ में मिल गए और 3 लाख का एप्रिसिएशन हो गया। तो आपका टोटल आरओआई कितना हुआ? ये हुआ 5.4%। मतलब आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको 5.4% का फायदा हुआ। अब अगर आपको लगता है कि आप इस परसेंटेज से ज्यादा का रिटर्न कहीं से निकाल सकते हो तो आपको बिल्कुल वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस लाइन में कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन है। कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी आती है लोकेशन के हिसाब से, और अगर आप अच्छी लोकेशन में खरीदना चाहते हो तो टियर 1 सिटीज में हो सकता है कि खरीदना थोड़ा मुश्किल पड़े आपको। इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज को आप टियर 2 या टियर 3 सिटीज में जाके भी खरीद सकते हैं। माना कि वहां पे भी रेट बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े से कम जरूर होंगे। और इसमें लोकेशन बहुत मैटर करती है, मतलब आपको एक अच्छी लोकेशन में ही ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि इसमें रियल कैश फ्लो जो है वो बहुत सही जनरेट होता है। मतलब अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो बंद तो रहेगी नहीं, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किराए पे चढ़ाते रहोगे, तो इसीलिए इससे कैश फ्लो जनरेशन जो है बहुत बढ़िया होता है। और रही बात इन्फ्लेशन की, तो ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप उसका किराया टाइम टू टाइम बढ़ा भी सकते हो। यही सेम चीज आप घर खरीद कर भी कर सकते हो रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, फिर चाहे वो टियर 1 सिटी हो, 2 हो या 3 हो। अब अगर आपका विचार यहाँ भी नहीं बन रहा है तो अगला ऑप्शन आपके लिए आता है एग्रीकल्चरल लैंड का या फिर प्लॉट का। एग्रीकल्चरल लैंड में आप अपनी खेती कर सकते हो और उससे जनरेट हुआ पैसा सारा एक तो टैक्स फ्री होता है। और अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास फ्री हैंड होता है उसके ऊपर कुछ भी डेवलप करने का। चाहे तो आप उसमें बिजनेस रन कर सकते हो, उस प्लॉट को रेंट पे दे सकते हो या फिर उसमें घर भी बना सकते हो। प्लॉट में आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और इसकी कीमत भी बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप बस इसकी बाउंड्री वॉल बना के इसको सिक्योर कर दीजिए और वेट करिए। अब पूरे रियल एस्टेट में ना कहीं पे प्रॉब्लम आती है लॉन्ग रन में, तो वो आती है फ्लैट सिस्टम में। अब होता क्या है, बिल्डर एक लिमिटेड जगह में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बना देता है और एक एक इमारत में कम से कम 80, 100, 200 परिवार रह रहे होते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपने जो पैसा दिया है आप उसके बदले कितनी जमीन ओन करते हो। तो इसी रीजन से जो 40-50 साल पुराने फ्लैट्स हो जाते हैं तो उनकी कीमत जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन मोड में आनी शुरू कर देती है। तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में निवेश करते हुए इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है लोकेशन। आपकी लोकेशन ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और उसमें भी फायदा आपको तब मिल सकता है कि कोई स्ट्रेटेजिकली चेंज हो जाए। मतलब आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी ली या लैंड लिया और उसके आसपास से कोई हाईवे निकल जाए या फिर कुछ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाए या कुछ मेट्रो आ जाए या किसी भी तरीके का ऐसा कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपको मिल जाए। दूसरा पॉइंट आता है सेफ्टी का।
एक तो प्रॉपर्टी जो है ना वो पूरी अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आप भले एक छोटा सा लोन ले लें, लेकिन किसी बैंक से लोन ज़रूर करवा लें। फिर बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो चेक करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड है कि नहीं है। वहीं अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड या प्लॉट खरीद रहे हो तो उस केस में आपको बैंक लोन तो शायद नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में आपको खुद ही सही तरीके से बिल्कुल बारीकी से वेरिफिकेशन जो है वो खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भारत में जो है वो लैंड लॉस जो है वो इतने कारगर और स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए हमेशा रेप्यूटेड बिल्डर से ही खरीदें। रेप्यूटेड बिल्डर्स का मतलब ये नहीं है कि जिनके एड्स बहुत ज्यादा आते हैं या फिर जो अपने काम से ज्यादा नाम पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसा कहीं पर भी डील करें तो एक बार ढंग से वेरीफाई जरूर करें। तीसरा पॉइंट आता है क्लोज टू कंप्लीशन का, मतलब कहीं भी ऐसी हवा में इन्वेस्टमेंट मत कर देना कि जहां पे आपको सिर्फ लैंड दिखाई जाए और बोलेंगे इसमें डेवलपमेंट शुरू होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कभी ना तो शुरू होते हैं ना ही ऐसी कोई प्रोजेक्ट असल में एग्जिस्ट भी करते होंगे। ऐसे फर्जी प्रोजेक्ट्स के चक्कर में लाखों लोग फंसे हुए हैं ऑलरेडी। तो आपको पैसा केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जो शुरू हो रखे हों एटलीस्ट और क्लोज टू कंप्लीशन हो, मतलब खत्म होने की कगार पे हो और हैंडओवर कुछ को मिल भी रहा हो। बॉटम लाइन ये है कि खाली लैंड दिखा के सपने दिखाने वालों से दूर रहना है। चौथा पॉइंट आता है पोर्टफोलियो का। हर किसी के पोर्टफोलियो का अलग डिजाइन होता है। किसी का कुछ एक परसेंटेज प्रॉपर्टी में निवेश रहता है, कुछ और परसेंटेज गोल्ड में, बॉन्ड में या स्टॉक्स में निवेश रहता है। इसी तरीके से लोगों का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है, लेकिन आजकल यंग जनरेशन का पोर्टफोलियो नेगेटिवली डाइवर्सिफाई रहता है। नेगेटिवली डाइवर्सिफाई कैसे? उनकी इन्वेस्टमेंट तो कहीं पर नहीं है, लेकिन एक बड़ा घर लेने के चक्कर में वो उससे भी बड़ा वो लोन ले लेते हैं और उस लोन को चुकाने के चक्कर में उनकी सारी सैलरी या इनकम जो है वो उसी में चली जाती है। और प्रॉपर्टी के लोन का टेन्योर भी आपको पता ही है कि लंबा ही होता है। इस बीच में भगवान न करे कि कुछ ऐसी चीजें हो गई कि जॉब चली गई, हेल्थ इश्यूज या कुछ भी अदर चीजें, आप समझ रहे हैं कि इस बारे में बात कर रहा हूं, तो उस केस में बैंक तो अपना लोन रिकवर करेगा ही करेगा। तो बैंक आपका वो घर जो प्रॉपर्टी है उस पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि जब तक आप उसका पूरा का पूरा लोन अमाउंट नहीं चुका देते वो घर बैंक का ही होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं अमित ढोंडियाल मिलता हूँ आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।